Namaskar, one and all. Welcome, Esha online classes. Please subscribe my channel, like it, share it, and press bell icon button. Today we are going to see first chapter from psychology, which is very important for Rpsc 1st grade. And date abhi announced nahi hua. My exam purely my videos are based on question and answers. Previous question and answers hai. Previous exam mein puche gaye hai. Aur exam purpose hi hai. Theory part nahi hai. थियरी पार्ट क्वेश्चंस के अंदर ही आ जाएगा. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू होम एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि जिंदगी स्टार्टिंग से लेके डेथ तक एक्सप्लेन करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल के. किसने कहा ये ये बहुत पूछेंगे. सो सबके बारे में स्किनर पिल्सबर्ग क्रो एंड क्रो सबके बारे में आप जानना चाहिए इसके अंदर. और क्रो एंड क्रो ने इसका बताया था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक्सप्लेन करती है कि बर्थ टू ओल्ड एज तक पूरे एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करता है बोल के. कौन बोला? क्रो एंड क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज व्हाट इज लर्निंग. See, 4 options were there. So you can go for the 3rd option without wasting time. Process for bringing important is a creature's behavior. So learning क्या है, सीखना क्या है. तो मैं इस question में अगर मेरे हिसाब से करूँगी तो मैं इसमें क्या करूँगी, process for bringing improvement is a creature's behavior. Children के अंदर जो सीखता रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट रहता है. तो स्टूडेंट बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है तभी हम क्या बोलेंगे, लर्निंग हैपन, सीखना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेन वेज ऑफ लर्निंग्स आर. कौन से 2 तरीके हैं सीखने का, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. इंग्लिश के अंदर मेथोडोलॉजी के अंदर भी पूछा जाता है व्हाट इज़ अ इंडक्टिव मेथड, व्हाट इज़ अ डिडक्टिव मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं मेथोडोलॉजी इंग्लिश की तरफ से बोलूँगी, साइकोलॉजी की तरफ से नहीं बोलूँगी. आपको एग्जांपल्स दूँगी, आपको समझाऊँगी कि डिडक्टिव मेथड व्हाट इज़ अ इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड माने बच्चों को समझाते टाइम हम एग्जांपल्स पहले बताते हैं फिर बाद में रूल्स बताते हैं ग्रामर का. जैसे सेंटेंस बताने के बाद फिर उसका रूल बताते हैं. मगर वेयर एज इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले रूल बता के हम लोग उसको एग्जाम्पल्स बनाने के लिए बच्चों को दे देते हैं. तो सो 2 मेथड्स वर देयर फॉर लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी हैज़ चेंज द व्यू पॉइंट टूवर्ड चाइल्ड, देयरफॉर स्कूल प्रोवाइड्स टू चिल्ड्रन व्हाट द स्कूल. क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए कि मनो विज्ञान शास्त्र आने के बाद, मीन्स साइकोलॉजी आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग स्कूल में स्टूडेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, अलग अंदाज से देखते हैं कि उसके बिहेवियर को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं. कोई प्रॉब्लम आए तो साइकोलॉजी के द्वारा हम लोग उस सॉल्व करने के लिए सोचते हैं. तो देयरफॉर स्कूल प्रोवाइड्स टू चिल्ड्रन क्या प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए, यूज़फुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. तो ऑप्शंस 2 सही है. साइकोलॉजी, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी एज ए टीचर भी एक डॉक्टर बन गई है साइकोलॉजी आने के बाद. बच्चों को पढ़ना और बच्चों का स्वभाव को भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना और स्वभाव को भी पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशंस हु स्टेटेड बिलो स्टेटमेंट. अभी ये स्टेटमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो स्टेटमेंट्स खूब देख लीजिए. और ये जो स्टेटमेंट कौन बताया, ये नेशन स्कूल्स आर एन ऑर्गन ऑफ हिज लाइफ हु स्पेशल फंक्शन इज टू कंसॉलिडेट इट्स स्ट्रेंथ टू मेंटेन इट्स हिस्टोरिक कंटिन्यूटी to secure its post achievements, guarantee its future. तो schools nations का क्या है, एक organ है, एक भाग है. वो जो भाग क्या करता है, function क्या consolidate करता है कि nation को strengthen करता है, historic continuity रखता है और secure करता है achievements के अंदर और guarantee एक अच्छा सा future देने के लिए guarantee करता है. कौन? Schools nations के बारे में बता रहा है. कौन बताया, कितना अच्छा saying है. Option 1 देखिए, टीपी न्यून, ये है ऑप्शन 1st करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी द रूट्स परटेनिंग टू डिसिप्लिन बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल्स. सो स्कूल्स के अंदर डिसिप्लिन रखने के लिए परटेनिंग टू द डिसिप्लिन बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल्स विच कैन बी द रूट्स. रूट कौन सा है बोल के पूछ रहा है. मगर ऑप्शन सारा ही गलत है तो
उसके अंदर से और एक अपने को चूज करना है. देखिए ऑप्शन कितना अलग से दिया है, द टीचर्स हु आर पनिशिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर एवरी एक्टिविटी. है तो गलत है, टीचर कभी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि पनिशमेंट टेम्पररी ही काम करता है, परमानेंट नहीं काम करता है स्टूडेंट्स के ऊपर. अननेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है. पुट बाय द हेडमास्टर ऑन द टीचर्स, ये भी गलत है. इम्प्रॉपर कैरिकुलम नॉट रिलेटेड, ये जो ये सही है. मगर प्रॉपर कैरिकुलम होना चाहिए, तो इम्प्रॉपर कैरिकुलम रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स कैसे भी अचीव नहीं कर सकते हैं अगर कैरिकुलम सही नहीं रहे तो. थर्ड वन ऑप्शन सही है, एक्सेसनेस ऑफ स्टडी, ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होता है. तो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए प्रॉपर कैरिकुलम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए. एक क्वेश्चन डिफरेंट है तो आप एक क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है मगर मुझे तो ये क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू मेक ए स्टडी ऑफ ए स्कूल डेजर्टर्स इज, अगर स्कूल के अंदर बच्चों को बच्चों के बारे में जानकारी करना है तो कौन सा मेथड सही है. केस स्टडी मेथड के अंदर स्टूडेंट बच्चा का पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, व्हाट द रीज़न, व्हाट द मेन प्रॉब्लम, बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इकोनॉमिकली, पेरेंट्स हिस्ट्री एंड द हेल्थ इश्यूज, एवरीथिंग गोइंग टू बी सीन इन द केस हिस्ट्री, केस स्टडी मेथड ओनली. लाइक इन हॉस्पिटल वी कैन सी केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, लाइक इन सेम इन वे इन द स्कूल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक इट, शेयर इट, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. छोटे छोटे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और आप लोगों को अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए मैं सपोर्टिव रहूँगी, और मेरे वीडियो से आपको थियरी पार्ट भी समझ में आ जाएगा, एज वेल एज यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय.